मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम जो बात करने वाले हैं आप लोगों से, खासकर एजुकेशन रिलेटेड से एक वर्क है कंसल्टेंसी का, उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि अभी प्रेजेंट के समय में जो अभी टाइम है एडमिशन का सबसे ज़्यादा टाइम चल रहा है, तो अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग जो कंसल्टेंसी करते हैं सेगमेंट में एडमिशन करवाते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो मेडिकल एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड कंसल्टेंसी करवाता है, यानी बच्चों को मेडिकल में एडमिशन करवाना, उसको गाइडलाइन करना, कहाँ पे एडमिशन लेगा, कौन से कॉलेज अच्छा है, अगर इस तरीके से कोई गाइडलाइंस करता है तो उसका जो रॉ मटेरियल या उसके जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो होते हैं कि स्टूडेंट्स, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों के पास आएगा या उसके पास स्टूडेंट आएंगे उससे ही उसका काम निकलेगा। तो अगर कोई कंसल्टेंट है, जो मान लीजिए जो पुराने कंसल्टेंट हैं, मैं जो बात बता रहा हूँ उनको ये सारी चीज़ें पता है, मगर अगर कोई नया कंसल्टेंट है, क्योंकि हर एक साल बहुत से नए लोग बिजनेस में आते हैं और अपना हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं, तो उनको उतनी जानकारी नहीं होती है। और आप पुराने किसी आदमी के पास जाइएगा तो आपको अपना तरीका नहीं बताएगा, आपको बता देगा कैसे काम करता है जनरल गाइडेंस, मगर आपको अपना तरीका नहीं बताएगा कि किस तरीके से वो काम करके मार्केट में लीड को लाता है। तो अगर आप कंसल्टेंट हैं, नए हैं, तो आप सबसे अच्छा उपाय कर सकते हैं कि मान लीजिए व्हाट्सएप मैसेज या फिर टेलीकॉलिंग, ये तीनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप चूज कर सकते हैं। और जिन्होंने नीट दिया हुआ है, मतलब इस साल जिन्होंने 2022 में नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ऐसे जो स्टूडेंट और रजिस्टर्ड होल्डर हैं इनका देखिएगा मार्केट में डाटाबेस सेल आउट होता है, यानी मोबाइल नंबर, नाम, कितना उनको नंबर मिला हुआ है, इसके अनुसार जो सेगमेंट है वो सेगमेंट करके बहुत सारी कंपनियां हैं जो लीड मैनेजमेंट का काम करती हैं तो ये मार्केट में छोड़ती हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप ऐसी कंपनियों से बात कर सकते हैं, बात करके अपने एरिया का तो नहीं होता है, स्टेट का होता है मैक्सिमम और पूरे इंडिया का ही होता है, तो इस तरीके से सेगमेंट करके आप जो है उनका डाटाबेस परचेस कर सकते हैं, यानी मोबाइल नंबर, नाम, उनका ईमेल आईडी अगर हो तो वो, और फिर से उनका एड्रेस और कितना नंबर उनको मिला है। अगर ये जानकारी आपके पास हो तो आप चाहें तो अपने ऑफिस में किसी टेलीकॉलर को बैठा के या मैसेज मार्केटिंग करके या व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग करके, ये 3-4 तरीका है जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड यानी कि पता चला आपने अपना प्रपोजल उनको भेजा, उन्होंने देखा और आपसे कॉन्टैक्ट किया कि हाँ आपको नेपाल में एडमिशन लेना है, आपको भूटान में लेना है, आपको बांग्लादेश में लेना है, इंडोनेशिया में लेना है, तो कैसे वो ले पाएंगे या क्या फीस में आप करा पाइएगा, ये चीज़ें ही ज़्यादातर भेजी जाती हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट अपने गार्जियन के साथ जो है ऐसे कंसल्टेंटों को कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करके अगर उनको प्राइस और चीज़ें रिजनेबल लगती हैं तो वो एडमिशन लेते हैं। मगर अगर एज ए कंसल्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट अगर आपके पास इस सोर्स के थ्रू आ रहा है तो कम से कम ऐसा 2-3 लोगों के पास वो पहले भी जाता है, क्योंकि मार्केट में इस तरीके का मार्केटिंग चल रहा है पहले से ही, आपको पता नहीं है तो इस वजह से आप इसमें लेट आ रहे हैं, मगर ये काम पहले से ही होता है। तो अगर आप ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो ये लीड मैनेजमेंट का काम करती हैं, या ऐसी कंपनियों के साथ जो व्हाट्सएप के थ्रू मान लीजिए ऐसे मैसेजेस वगैरह भेजते हैं, तो ये दोनों काम के लिए आप उन लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो पेड कंसल्टेंसी है इसमें आपकी पूरी मदद करेगी ताकि आपको आसानी से काम आपका हो पाए और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार ना जाए और सही जगह से आपको डाटाबेस या सिस्टम आपको मिल पाए। तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9230222449 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि इस तरीके की कोई भी सर्विसेज आप ले पाएँ, या एडमिशन का काम जो है आप कैसे कीजिएगा नहीं कीजिएगा इसका गाइडलाइन ले पाएँ और अपने बिजनेस को चालू करें। ये सारा जो सर्विसेज है हम जो प्रोवाइड कराते हैं पेड सर्विसेज है दोस्तों, फ्री में हमने यूट्यूब में बता दिया क्या क्या कैसे होता है, अगर आप इतना जान के अपना काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप हमारी सर्विसेज लीजिएगा तो आपको हमारे कंसल्टेंसी चार्ज जो है वो पे करके ही अपने सर्विसेज को लेना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।